नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। 21 जून योग दिवस और हम उनके पास पहुंचे हैं। योग दिवस तो आज अंतर्राष्ट्रीय हुआ है, लेकिन जिनके कारण देश में घर घर में लोगों ने समझा कि नहीं, योग कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे डरना है, उसे आम जीवन में आप समाहित करें तो आपकी जिंदगी बेहतर होती है। स्वामी रामदेव हमारे साथ हैं और हमारे साथ क्या है इस समय, तो गायों के साथ हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। स्वामी जी बहुत स्वागत है आपका। ये छोटे बच्चों को जैसे रोटी खिलाते हैं ना, हाँ, ऐसे एक एक टुकड़ा इनको खिला रहे, देखो, गुड़ रोटी, गुड़ और रोटी। अरे वाह। और ये जो है, ये बड़े वाले तो उनको तो एक एक टुकड़ा करके खिलाना पड़ता है, ये हाँ। तो पूरा का पूरा ही खा जाते अच्छा, गुड़ से खास प्रेम रहता है क्या? गुड़ और रोटी ये बहुत चाव से खाते हैं। हाँ। और गुड़ तो सबके लिए अच्छा, सबके हाँ, ये एकदम नेचुरल है, इसमें आयरन पूरा है, एनर्जी पूरी है। इसको खिलाने का भी एक तरीका है, ऐसे ऐसे हाथ में ले लो हाँ। तो इसको हाथ को चबाते नहीं है। अच्छा। नहीं तो बहुत से लोग तो इसीलिए डर जाते हैं कि ये हाथ को कहीं खा तो नहीं जाएंगे, हाथ अंदर तो नहीं चला जाएगा, चाहे कितने अग्रेसिव हो। ऐसे हाथ में ऐसे रखते हैं और ऐसे खा लेते हैं। आज देखिए, योग दिवस मनते मनते पांचवा योग दिवस आ चुका है स्वामी जी। आपको कुछ ऐसा सबकी आदतों में बदलाव लग रहा है जिस कारण आप भी चाहते थे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हो? बीमारियों के तीन बड़े कारण हैं। एक तो जेनेटिकली बीमारियां होती हैं, दूसरी हम स्वयं कारण होते हैं, और तीसरा नेचर एंड एनवायरनमेंट। उसमें इतना ज़्यादा पोल्यूशन, एयर वाटर सॉइल पॉल्यूटेड है, और साग सब्जियां, अनाज, दूध, दही, घी, ये सब हम खाते पीते हैं, उनमें मिलावट आ गई। इसलिए हमने सब दिशाओं से काम किया है। हम गोसेवा यहाँ तो, क्योंकि दिल्ली में है हमारा आश्रम, यहाँ तो थोड़ी गायें हैं। हमारे पास ऐसे करीब 1000 से अधिक तो देसी गायें हम खुद रखते हैं, और गाय का ही दूध का प्रयोग करना, गाय का ही दही, छाछ, मक्खन, घी, और इनका जो गोबर होता है हाँ। जैसे अब यहाँ ही भी ये गोबर है हाँ। और इस गोबर से ही हम लोग यहाँ शाक सब्जियाँ ये सब पैदा करते हैं। अब ये देख रहे हैं ना पूरा, ये इसकी ज़रूरत। आज खाली योग करने से बात नहीं बनेगी, आप योग तो कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ लौकी का जूस पियो, लौकी का जूस भी पी रहे, लेकिन वो लौकी का जूस जो है वो इंजेक्शन लगी हुई लौकी का जूस पी रहे। अब यहाँ पर हमने ये जो साग सब्जियाँ भी बो रखी हैं, एकदम नेचुरल हैं। इसमें ककड़ी है, ये जो है आपको दे देता हूँ। अच्छा। और खरबूजा, तरबूजा, ये ऐसे ऐसे बेल पर लगता, बहुत लोगों को तो पता ही नहीं लगता कि ये खरबूजा तरबूजा पेड़ पे लगता है या किसी हाँ। लता में लगता है। चलिए हम आगे चर्चा करें, उससे पहले जरा हम दिखाते हैं अपने दर्शकों को कि चूंकि ये पांचवा साल है योग दिवस जब मनाया जाएगा पूरी दुनिया में, तो क्या क्या हुआ है इस दौरान, इस बार क्या खास होने वाला है, कौन कहां पर योग करने वाला है, ये आयोजन कैसा होगा देख लेते हैं। इक्कीस जून को पांचवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर देश नहीं बल्कि दुनिया में तैयारियां जारी है। भारत में भी इसकी पूरी तैयारियां हो गई हैं और अब बस इंतजार है तो योग दिवस का। पिछले साल योग दिवस पर मोदी ने 55,000 लोगों के साथ उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में योगासन किया था। इस बार प्रधानमंत्री मोदी अपना योग दिवस रांची में मना रहे हैं और इसके लिए वो आज वायुसेना के विमान से रांची पहुंच रहे हैं। योग दिवस की मेजबानी के लिए रांची शहर पूरी तरह योग के रंग में रंग चुकी है। आप देख सकते हैं कि कैसे रांची के प्रभात तारा स्टेडियम में तैयारियां पूरी हो चुकी है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28,000 लोगों के साथ योग करेंगे। यही वो मंच है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना भाषण देंगे योग दिवस पर, और उसके बाद आधे घंटे तक यहां पर भाषण चलेगा, और उसके बाद बगल में आपको हम मंच दिखाना चाहेंगे, हरे रंग का वो मंच आप देख रहे होंगे, वहां से फिर योग सिखाया जाएगा, वहां पर डेमोंस्ट्रेशन होगा। और नीचे जैसा कि हर बार देखा जाता है, प्रधानमंत्री मंच पर नहीं बल्कि बीच में, लोगों के बीच में उतरकर योग करते हैं, और उसके पूरे इंतजाम आप देख रहे हैं। फिलहाल यहां पर बारिश हो गई है, इसलिए जो मैट्स यहां पर बिछाए गए हैं उसमें ऊपर से पन्नी प्लास्टिक लगा दी गई है ताकि वो गीला ना हो। आपको हम बता दें पूरे व्यवस्था के बारे में, 28,000 मैट्स का इंतजाम किया गया है। सरप्लस अगर लोग हो जाते हैं तो बताया जा रहा है कि बगल के कुछ स्कूल और बगल में कुछ और स्टेडियम है वहां पर भी इंतजाम किया गया है। आपको हम बता दें लगभग
50,000 ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हुए थे लोगों के, लेकिन यहाँ पर एक सीमा है लोगों के बैठने की, जैसे कि 28,000 तक बताया जा रहा है कि कैपेसिटी है इस पूरे ग्राउंड की, प्रभात तारा ग्राउंड की, जहाँ पर पूरा इंतजाम किया गया है, इसीलिए 28,000 मैट्स अलग से मंगाए गए हैं। मोदी दुनिया के योग प्रेमियों को यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई भी देंगे। सुबह 6:30 बजे आयोजित इस कार्यक्रम में निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत 45 मिनट का योगाभ्यास होगा। इससे पहले प्रधानमंत्री योग प्रेमियों को संबोधित करेंगे। रांची में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। जप्पे जप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, पुलिस की गाड़ियां गश्त लगा रही हैं। और विगत 5 वर्षों के अंदर अगर हम देखें तो विभिन्न राज्यों में माननीय प्रधानमंत्री जी का 21 जून को प्रवास होकर उस राज्य से पूरी दुनिया को संदेश देने का काम करते हैं, और उसी क्रम में झारखंड में भी माननीय प्रधानमंत्री जी आज रात्रि आ रहे हैं और भगवान बिरसा मुंडा की धरती से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पूरी दुनिया को योग का संदेश देने का काम करेंगे। मोदी के साथ साथ उनकी पूरी कैबिनेट ने योग दिवस पर योगासन करने की तैयारी कर ली है। गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के रोहतक में योग करेंगे तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजपथ में योगासन करते हुए नजर आएंगे। नितिन गडकरी नागपुर में योग करेंगे तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में योग करेंगी। स्मृति ईरानी दिल्ली के मेहरोली में रहेंगी तो पीयूष गोयल भी दिल्ली के लोधी गार्डन में योगासन करेंगे। बीजेपी के 41 बड़े नेता दिल्ली में ही योग करते हुए नजर आएंगे। योग दिवस है तो हम योग दिवस की ही बात कर लेते हैं, उसके बीच में तमाम बातें बाकी होती रहेंगी, लेकिन ये हर साल जब 21 जून को हिंदुस्तान पर निगाहें सबकी होती हैं, योग को एक जीवन पद्धति धीरे धीरे लोग कितनी तरह से उसकी विकृति हमने देख ली, हॉट योगा और जाने क्या क्या दुनिया भर में कहकर बेचा जा रहा था, लेकिन उस सब के बीच अगर आज हम योग दिवस देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय, तो हर साल ये भी रहता है स्वामी जी आपके मन में, क्योंकि आप चाहे अनचाहे सबसे बड़े एम्बेसडर हैं योग के, आपके मन में ये भी रहता है कि इस साल मैं अलग क्या करूं, इस साल मैं अलग क्या सिखाऊं सब लोगों को। योग जो है वह मात्र कुछ एक्सरसाइज ही नहीं है, एक्सरसाइज भी योग है, सूर्य नमस्कार है और भी ट्रेडिशनल हमारी एक्सरसाइज हैं, पोस्चर्स हैं। अब खड़े हैं तो यहाँ से शुरू हो गए, ये ताड़ासन हो गया, अब ऐसे साइड में झुक गए तो तिर्यक ताड़ासन हो गया, तो ये पाद हस्तासन हो गया, ऐसे आगे झुक करके माथा घुटनों से लगा दिया, पीछे झुक गए तो ये ऐसे ये अर्धचक्रासन हो गया, ऐसे खड़े ही हो गए तो ये जो है वृक्षासन हो गया। तो जीवन की हर चेष्टा तो योग है, जो भी एकाग्रता और पवित्रता पूर्वक की जाए, एक डिसिप्लिन के साथ साइंटिफिक जो है दायरे में रह करके जो हमारे जीवन की चेष्टाएं होती हैं वो सब योग के दायरे में आते हैं। इसलिए योग मात्र आसन ही नहीं है, योग मात्र व्यायाम प्राणायाम ध्यान ही नहीं है, माने जो भी जीवन का श्रेष्ठ आचरण है वो सब योग के अंतर्गत आता है। तो योग से व्यक्ति खुद नियंत्रित हो जाता है। चलिए हम भी कुछ ऐसी बातों को समझते हैं, सीखते हैं, लेकिन पहले आप तब तक देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल जो योग दिवस का काउंटडाउन शुरू करते हैं सोशल मीडिया के जरिए, इस बार उन्होंने क्या क्या कहा है। सभी एक स्वर में 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात प्रार्थना आरती। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का योगी रूप है। अब श्वास भरते हुए सिर को, दुनिया भर में योग को पहचान दिलाने के लिए पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की पहल की थी। 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र संघ में मोदी ने अपने भाषण में योग दिवस की बात उठाई थी। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र में 177 सदस्यों ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव मंजूर कर दिया। 21 जून 2015 को पूरी दुनिया ने योग दिवस मनाया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद राजपथ पर पहुंचे और 36,000 लोगों के साथ योग करके रिकॉर्ड बनाया, तो 84 देशों के लोगों ने इस समारोह में हिस्सा लेकर दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को कंठकूप से लगाएं। इनहेल एंड स्लोली रोटेट द हेड क्लॉकवाइज। इसके बाद से ही हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की परंपरा चल पड़ी। 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में, तो 21 जून 2018 को देहरादून में योग किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद योग के मुरीद हैं। उनकी दिनचर्या में योग अनिवार्य रूप से शामिल है। मोदी अक्सर अपने योग के वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहते हैं। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक के बाद एक कई एनिमेटेड वीडियो पोस्ट किए। पीएम मोदी ने सूर्य नमस्कार, सेतु बंधासन, शलभासन, शशांकासन, पवन मुक्तासन, वज्रासन, वक्रासन, भद्रासन, वृक्षासन, ताड़ासन, भुजंगासन समेत 15 आसनों के एनिमेटेड वीडियो पोस्ट किए। वीडियोस के जरिए मोदी एक तो लोगों को योग की प्रेरणा दे रहे थे, तो दूसरी तरफ लोगों को योग दिवस मनाने की प्रेरणा भी दे रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को ही मनाने के पीछे भी वजह है। दरअसल 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है और सूर्य दक्षिणायन हो जाता है। भारतीय परंपरा में यह वक्त आध्यात्मिक सिद्धियां हासिल करने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री मोदी भी सिखाते हैं आजकल, एक एनिमेटेड वीडियो उनका रहता है जिससे वो लोग कह रहे थे कि एक फिल्म एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी, दूसरे स्वामी रामदेव, और उन दोनों को टक्कर देने के लिए आ गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। देखो अब उनकी उम्र के हिसाब से सब पोस्चर उनसे अपेक्षा करना जो है ठीक नहीं है, फिर भी अपनी उम्र के हिसाब से बहुत अच्छे से योग कर लेते हैं मोदी जी। और आज़ादी के इतिहास में पहली बार कोई प्रधानमंत्री है जो पब्लिकली हर वर्ष कम से कम इंटरनेशनल योग डे के दिन, खुद तो आते ही हैं, उनके सारे कैबिनेट मिनिस्टर, उनके सारे चीफ मिनिस्टर, उनके सारे एमएलए एमपीज और उनके गठबंधन के भी अक्सर लोग, और उनके देखा देखी अब विपक्षी वाले भी, वो भी योग के कार्यक्रमों अच्छा, में थोड़ी देर के लिए कर लीजिए ना, फायदा हो जाता है, उसके बाद सब आगे भी करने लगते हैं। और मैं कह रहा हूँ ऐसी चीज़ों को प्रोत्साहन मिलता है, गौरव मिलता है। सैनिकों को कुछ अलग आप बताते हैं या? देखिए सैनिकों को हम थोड़ा सूर्य नमस्कार और कुछ ट्रेडिशनल एक्सरसाइजेज भी हैं, पोस्चर्स भी थोड़े जो उसमें कठिन है वो भी बताते हैं, जिससे कि उन वो और ज़्यादा स्ट्रोंग भी बने, क्योंकि फोर्सेस के लिए जहाँ मन की एकाग्रता की, चित्त की प्रसन्नता की, शांति की आवश्यकता है उनको, वहीं उनको फिजिकली भी स्ट्रोंग होने की जरूरत है। तो योग हमें फिजिकली भी स्ट्रेंथन करता है, मेंटली भी स्ट्रेंथन करता है, शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, बुद्धि बल, आत्मा बल, ब्रह्म बल हमारे भीतर पैदा करता है, तो ताकत की उपासना करते हैं ना लोग। तो ये सबसे अच्छा ये हुआ कि जो सूर्य नमस्कार का जो विवाद था वो पहले साल के बाद खत्म हो गया, सबको समझ में आ गया नहीं इससे फायदे ज्यादा है। अच्छा एक जो जिसे आप फिजिकली फिट होते हैं, फिटनेस का मतलब से क्या संबंध है? आपको यदि शुगर है और आप कपाल भाती, अनुलोम विलोम और मंडूकासन करते हैं, और आपकी शुगर कंट्रोल आ गई, इसके बाद हम उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन, नौकासन भी करा देते हैं, डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं, अब वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध, हिंदुस्तानी है, पाकिस्तानी है, वो यूके, यूएसए का, यूरोप का, स्विट्जरलैंड का, कहीं रसिया का, चाइना का, या ऑस्ट्रेलिया का नागरिक है, अरे कोई भी योग करेगा। अब किसी को बीपी कॉमन प्रॉब्लम है, अब किसी को स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन है, हाइपरटेंशन है, माइग्रेन पेन है, अब उसके लिए अनुलोम विलोम है, भ्रामरी, ओम, हो सकता है किसी को ओम बोलने में आपत्ति भी हो, तो वैसे कोई ओम देवी देवता मूर्ति प्रतिमा कोई रिचुअल किसी भी तरह का कोई जो है ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कोई मजहब से जोड़ सके, एक तो डिवाइन साउंड है। फिर भी किसी को आपत्ति हो तो चलो मन करो अनुलोम विलोम भ्रामरी तो कर लो, ये कर लो, शीतली कर लो, मुंह से लिया नाक से छोड़ा, शीतकारी कर लो, दांत बंद, दांतों के पीछे जीभ और श्वास लिया, मुंह से छोड़ा,
नाक से थोड़ा योग निद्रा कर लो, बीपी क्यों रो जाता है, कपाल भाती, उज्जाई, 5-7 बार 11 बार तक करवा देते हैं, और सिंहासन थोड़ा गले को ऐसे घुमा देते हैं, फिर सर्वांगासन हलासन करा देते हैं, यदि कर पाए तो थोड़ा पॉइंट दबा देते हैं यहाँ से। थायराइड क्यों रो जाता है, अस्थमा क्यों रो जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए तो प्राणायाम से बेस्ट कुछ सही नहीं, अर्थराइटिस, हड्डियाँ अच्छी हो जाती हैं, ऑस्टोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, गाउट अच्छा हो जाता है। इसी तरह से चाहे वो स्टमक डिसऑर्डर्स हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, कोलाइटिस है, कॉन्स्टिपेशन है, पाइसफिसर फिस्टुला है, या नींद नहीं आती है, लोगों को ओबेसिटी है। अब करीब करीब आधी आबादी मोटापे से परेशान है, करीब 99% लोगों को कमोबेश स्ट्रेस होता है। तो भाई योग एक चिकित्सा विज्ञान है, एक जीवन विज्ञान है, एक लाइफ साइंस है, एक मेडिकल साइंस है, और मैं तो कहता हूँ कि ये सुपर साइंस है। नहीं, आपने देखिए ना, शक्ति बढ़ाने की बात की सुरक्षा बलों में, और उनके लिए आसनों की बात की, लेकिन वो थोड़ा देखिए, एक तो वजन, दो तरह के लोग होते हैं जो जिम जाते हैं, एक जिन्हें वेट लूज़ करना है और दूसरा जिन्हें मसल बिल्डिंग करनी है। तो मैं एक एक करके दोनों के लिए चाहूँगी आपसे इस योग दिवस पर एक सौगात। देखो, आपको अपने मसल्स को स्ट्रेंथन करना है, तो जैसे पद्मासन में बैठ गए, और पद्मासन में बैठ करके हम एक मिनट ऐसे उठा देते हैं, तो एक तो ये भुजाएं बहुत स्ट्रांग बन जाती है, और पेट इतना अच्छा हो जाता है, पूरे ऐसे पद्मासन में बैठ करके और पूरे शरीर को, या तो उंगलियों पर ऐसे उठा दिया, इसमें तो और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना पड़ता है अपने आप को। ये तो मैं उंगलियों पर उठा रहा था, तो उंगलियां भी तो मजबूत होनी चाहिए, उसके लिए आपको कहीं मुक्का मक्का मारने की जरूरत नहीं, इसी से हो जाता है। फिर ये ऐसे हथेलिया टिका करके ऐसे उठ गए, एक मिनट जब ऐसे उठते हैं ना, पूरे शरीर में पसीना आ जाता है। अच्छा, माने -20 डिग्री पर भी ऐसा कर लेंगे ना, आप खाली 10 सेकंड मेरे साथ करके देखो, 10 सेकंड उठे तब तो। हाँ, ऐसे ऐसे एक मिनट तक उठा के रखते हैं तो पसीना आने लगता है। सही बात है, मैं ऐसे 2 मिनट तक करता हूँ। 2 मिनट तक करते हैं ना, और जैसे जो जवान हैं उनको हम ऐसे एकाग्रता भी बढ़ती है जी, इसमें मयूरियासन और ऐसे करवा देते हैं, नाभि के दोनों ओर कोने लगा के और ऐसे पूरे शरीर को उठा दिया, तो इससे भुजाएं भी मजबूत बन जाती हैं, पेट भी मजबूत बन जाता है, पूरा शरीर मजबूत बन, कोर जो कहते हैं, कोर को स्ट्रांग रखो, उसके लिए इससे बेहतर क्या एक्सरसाइज। अरे वाह, और चेहरा एकदम लाल सुर्ख हो जाता है। फिर सूर्य नमस्कार, इसमें सूर्य नमस्कार में स्वामी जी साथ में, मैं ये भी आपसे पूछना चाहती हूँ, निर्धारित तेजी के साथ किया जाता है या फिर आराम आराम से? पहले एक मिनट में एक बार वाला, एक पोज में 5 सेकंड ठहरते हैं ऐसे जी, तो 12 पोज है तो 1 मिनट में एक बार सूर्य नमस्कार हो जाएगा, ऐसे धीरे करने। तो ये धीरे धीरे किया जा सकता है, 1 मिनट में एक बार, सर्वांगीण व्यायाम है, पूरी बॉडी को स्ट्रेंथन कर देते हैं, धीरे धीरे करते हैं, लंबे लंबे श्वासों के साथ, जब पीछे झुकते हैं तो सांस अंदर, आगे झुकते हैं तो श्वास बाहर। अब इसको मध्यम गति से किया, अब जवान है तो 1 मिनट में 10 बार कर सकता है। मैं 5 मिनट में ऐसे 50 बार करता हूँ, और किसी को और स्ट्रेंथन करना हो जी और कंसंट्रेशन को बढ़ाना हो तो हैंड स्टैंड, एक तो हेड स्टैंड होता है शीर्षासन, एक ऐसे बस हाथ नीचे लिए और ऐसे अपने आप को एकाग्र कर दिया, और किसी को चलना हो तो ऐसे चल भी सकते, इतना कंट्रोल होना चाहिए आपका।
और जवानों के लिए हम एक श्वास में एक अभ्यास होता है, तो उसमें 12 अभ्यास कराते हैं। एक ये होता है, इसको साधारण दंड कहते हैं, इसको ऐसे। फिर दूसरा इसमें ऐसे वापस आते हैं, जैसे गए ऐसे वापस आते हैं। तीसरा ऐसे, ये जवानों को हम कराते हैं। चौथा इसमें फिर ये ऐसे, ये जवानों के लिए। पुलिस को और जवानों को हम करवाते हैं ऐसे। फिर ऐसे अपोजिट साइड में चला गया, फिर इसे पार्श्व भाग में पहले चला गया, पार्श्व दंड कहते हैं इसको जी, ऐसे ऐसे। फिर और थोड़ा कठिन होता है, ऐसे पैर को ऐसे घुमा दिया, कंट्रोल चाहिए इसमें, और जिम जाने की जरूरत नहीं, पूरा शरीर मजबूत बन जाता है। फिर ऐसे पूरा निकल गए, पूरा वापस आ गए, और 10 हो गए। 11वां थोड़ा कठिन है, ऐसे शेर दंड, ऐसे पैर ले गए और ऐसे आए इस तरह से, बैलेंस बनाना पड़ेगा। फिर ये बैलेंस, इसको 10 20 50 100 बार करता हूं मैं एक मिनट में ऐसे। तो ये इसको बोलते हैं दंड, ये परंपरागत व्यायाम है मसल्स को, बॉडी को स्ट्रेंथन बनाने के लिए, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। हाँ। फिर ऐसे ही करते हैं, इसको बैठक बोलते हैं, ऐसे। ये जवानों के लिए। और ये कितने? 10-10 बार। 10-10 ऐसे। इस तरह से पूरे शरीर पर कंट्रोल, और फिर लास्ट में से इसको हनुमान बैठक कहते हैं। अच्छा, तो ये जवानों के लिए है जी। जवानों को आसन भी जैसे सामान्य रूप से तो कर लेते हैं लोग, ये वृक्षासन आप भी कीजिए जी, ऐसे, और हाथ ऐसे ले गए। एकाग्रता बढ़ाने के लिए अच्छा दोनों तरफ ऐसे। अच्छा, वो आपने मुझे पिछले वाले नहीं कहे करने के लिए। फिर ये गरुड़ आसन है। हाँ। ये थोड़ा कठिन हो जाता है, तो आयु के हिसाब से आसनों का चयन। ये क्यों स्वामी जी? गरुड़ आसन। हाँ, गरुड़ आसन किसके लिए किया जाता है? पैरों के मसल्स को स्ट्रेंथन करने। अच्छा। के लिए, हाइड्रोसिल के लिए, जिनके घुटने मिलते हैं। अच्छा, मिलिट्री और प्राइम मिलिट्री में तो ये घुटने मेरे, तो उसको बिल्कुल। हाँ। तो ये गरुड़ासन से। हाँ। पद्मासन से। हाँ। बटरफ्लाई से। हाँ। मेरे पहले घुटने मिला करते थे, देखिए करीब 2-2.5 इंच का फासला है। अच्छा। पहले मेरे ऐसे मिलते थे। हाँ, नॉक नीज। और एरिया जो फ्लैट। हाँ, फ्लैट फुट। हाँ। फ्लैट फुट वो भी ठीक हो जाता है, देखो ताड़ासन आदि योग से वो फ्लैट फुट ठीक हो जाता है। उसमें इसको कराते 50 बार, तो फिर थोड़े अलग अलग पोस्चर्स को करा देते हैं जवानों के लिए। बाकी के लिए वैसे आगे झुकना, पादहस्तासन, फिर ऐसे पीछे झुक गए, अर्धचक्रासन, फिर ऐसे साइड में झुक गए, तो ये इसको त्रिकोणासन कहते हैं। इस तरह से तो फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, इससे स्ट्रक्चरल बैलेंस अच्छा होता है। फिर जो जवान होते हैं और बच्चे होते हैं, उनको, छोटे बच्चों को और जवानों को ये शीर्षासन भी करना चाहिए। सामान्य आसन कमर के लिए, पेट के लिए, पीठ के लिए वो ठीक है, लेकिन ये शीर्षासन, इसमें से पद्मासन लगा दिया। कमर में दर्द है किसी को तो 4-5 आसन कर सकते हैं ना, जैसे ऐसे पीछे झुक गए ऐसे, ये जो है जी उष्ट्रासन, ये कमर के लिए अच्छा है। जिनको कमर दर्द है उनको ऐसे भुजंगासन करा देते हैं। भुजंगासन का दूसरा पोज ये भी है, तीसरा पोज उसमें पैरों को पीछे से खोल लिया, त्रिलेक भुजंगासन है।
और सर्वासन ऐसे। कमर दर्द एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई आजकल, उसके लिए एक अभ्यास हो रहा है ऐसे कि पैर मोड़ के, प्रधानमंत्री मोदी जी भी आजकल ये सब ट्वीट कर रहे हैं आसनों के कि भाई ये कमर के लिए बहुत अच्छे हैं, कमर के लिए, वेट के लिए, डायबिटीज के लिए बहुत परेशान हैं लोग, तो कमर के लिए मरकटासन, घुटने पंजे पास में एक तरफ गर्दन, दूसरी तरफ पैर, ऐसे इस तरह से एक एक पोज में ऐसे 10-20-30 सेकंड ठहराते, 1 से 5 मिनट एक पोस्चर का टाइम होता है, फिर ये मरकटासन का दूसरा अभ्यास, फिर तीसरे में तो पैर ऐसे उठाते हैं और अपोजिट साइड में ले जाते हैं ऐसे, गर्दन भी दूसरी दिशा में। ये भी कमर दर्द के लिए, कमर दर्द के लिए बेस्ट है। आज जितने भी एक्सरसाइज वाले डॉक्टर हैं, फिजियोथेरापिस्ट जिनको बोलते हैं, डाइटिशियन बोलते हैं, वो सभी कह रहे हैं देखो योग तो करना ही पड़ेगा, कमर के लिए ये भी अच्छा है, ऐसे एक एक पैर को यूँ उठाना, नीचे लेके आना जी। और जो है ऐसे ये बीच से उठा देना, कमर के लिए, पेट पीठ के लिए भी अच्छा, इसको कंदरासन। अच्छा, ये तो दिन में किसी भी समय हो सकता होगा इसमें? देखिए कुछ आसन तो कभी भी कर सकते हैं, खाली जिनमें बहुत अधिक पेट पर बल पड़ता है, कपाल भाती है या शीर्षासन जैसे आसन, वो खाने के बाद नहीं किए जाते जी। अब जैसे वेट है तो इस सुबह शाम खाने से पहले कर लें, 3 अभ्यास जैसे ऐसे किए, फिर ऐसे पैर को घुमाया, थाई बटक शिफ्ट से हल्के हो जाएंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 5-5, 10-10 बार, फिर टाइमिंग इसका बढ़ा लें 10-20 बार 50 बार तक किया जा सकता है ऐसे पूरी गोलाई में, और फिर साइकिलिंग जैसे ही है। तो ओबिसिटी एक बड़ी समस्या है, प्राणायाम, कपाल भाते, अनुलोम विलोम, ये 3 अभ्यास लेट करके, कुछ अभ्यास खड़े होकर के, जो भी फिजिकल एक्टिविटीज हैं वो कर सकते हैं, और बैठ करके, अब जैसे ये मोटापे के लिए भी, पेट के लिए, पीठ के लिए, इसको चक्की आसन कहते हैं, जैसे अच्छा पहले गांव में लोग घरों में चक्की नहीं घुमाते थे हाँ। पहले एक्सरसाइज नहीं करना पड़ता था, नहीं इतनी चीज़ें थी करते थे सब। स्थित कोण आसन जी, इस तरह से वेट के लिए, बीपी के लिए, अब जैसे कितने भयंकर ब्लड प्रेशर की समस्या है, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गी, शीतली, शीतकारी, कितना भयंकर डायबिटीज है, आसनों में 3-4 आसन जैसे उत्तान पादासन, इससे पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाता है, 1 मिनट ऐसे करवाते हैं, फिर 3 से 5 राउंड उत्तान पादासन के अथवा नौकासन के, ऐसे ये करवा करके, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, ईजी है बहुत हाँ। सब कर सकते हैं, पर ये तो कहते हैं इससे 6-पैक एब्स भी बनते हैं, मैंने तो योग में नहीं लेकिन किसी और 6-पैक या सिंगल पैक बनता है, देखो ये देखो स्वामी जी, इसे देखने के बाद सब डर जाते हैं ना कि ये तो हो ही नहीं सकता है। बात 6-पैक और सिंगल पैक की नहीं है जी, अरे बहुत इजी है ना योग, कपाल भाती, अनुलोम विलोम, मंडूक आसन, आगे झुकना, एक मिनट ऐसे कर लिया है ना हाँ। डायबिटीज पहले ही दिन से कंट्रोल आ जाती है, मैं मैक्सिमम लोगों की बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रोल, गैस, कब्ज, एसिडिटी, स्ट्रेस, इंसोम्निया, अनिद्रा की दवाई पहले ही दिन से बंद करा देता हूँ। ये ताकत है योग में, रोग मुक्त, दवा मुक्त, हिंसा मुक्त, दुख दरिद्रता मुक्त, जो समाज की जितनी बड़ी समस्याएं हैं, ये 1-पॉइंट सॉल्यूशन प्रोग्राम है। योग सच में कोई साधारण विद्या नहीं है। अब लोग मजाक में कुछ भी बोल दे, बोले योग करने से क्या होता है, फिर तुम्हें आप नहीं बोलते हैं नहीं ऐसे बोलने वालों की संख्या कम हुई है आपने लेकिन कुछ लोगों को जिस शुरुआत में जिस दौर को आपने देखा जहां पर मजाक भी उड़ाया गया, तरह तरह की तस्वीरें भी और खूब हमारे बारे में, तो अभी भी हाँ। श्वेता जी कोई कहता है मेरे घुटने का ऑपरेशन हो गया हाँ। और आपके यहाँ तो वायरल टेस्ट में आता है, तो उसमें मैं एक दिन देख रहा, मैंने आज तक लगाया तो क्योंकि मैं जो है एक तो आपका प्रोग्राम शाम को जब आता है जी खबरदार आप करते रहते हैं, तो कभी 10-15 मिनट वो देख पाता हूँ क्योंकि दिन भर कार्य में रहता हूँ, और दूसरा कभी ऐसे बाई चांस समय मिल गया, कभी भोजन के समय, बाकी समय तो वक्त नहीं मिलता, क्या स्वामी रामदेव आ रहा है, क्या हो गया वायरल टेस्ट में? बोले स्वामी रामदेव जर्मनी से घुटनों का ऑपरेशन करा के लौटे। पहले बात तो
मेरे घुटने देख लो अच्छे से, इसमें कहीं चेहरा फाड़ हो रखी है। कुछ ने कहा कि स्वामी रामदेव का पेट का ऑपरेशन हो रखा, हाथ उलझ गई थी नोली करते से, किसी ने कहा हार्ट की बाईपास सर्जरी हुई है। मैंने कितनी अफवाहें, और फिर पतंजलि के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, एक अफवाह तंत्र, पूरा षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेंसी, क्योंकि हजारों करोड़ है उन विदेशी कंपनियों के पास, तो कुछ सैकड़ों करोड़ रुपए इधर भी लगा दिए। स्वामी जी, राष्ट्र गौरव की अगर बात करते हैं हम, तो क्या हिंदी का भी स्थान उसमें, जो तीन भाषाओं की बात हो रही है अलग अलग स्कूलों में, लेकिन विवाद बहुत ज्यादा छिड़ रहा है उसे लेकर? देखिए श्वेता जी, निजता का गौरव माने अपनी भाषा, अपनी वेशभूषा, अपनी शिक्षा, अपनी चिकित्सा, अपनी खेती, अपना बिजनेस, अपना व्यापार, अपना व्यवहार, अपना संस्कार, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, इसको गौरव कौन देश नहीं देता? अपनी संस्कृति, सभ्यता, अपने पूर्वजों की बात हो, अपनी भाषा, अपनी परंपराओं की बात हो। दक्षिण के नेता कह रहे हैं कि आप अपनी भाषा थोप रहे हैं। कोई नहीं थोप रहा, करुणानिधि जी खुद हिंदी जानते थे, क्योंकि उनको देश की राजनीति करनी थी, देश के साथ कनेक्ट होना था, उनकी सारी फैमिली कनिमोजी जी से लेकर के सब परिवार के लोग उनकी सब हिंदी जानते हैं, बोलते हैं, घर में हिंदी बोलते हैं। लेकिन अपने प्रदेश के लोग देश के साथ कनेक्ट ना हो, दुनिया के साथ कनेक्ट ना हो, ये तो गलत बात है ना। आप अंग्रेजी के प्रति गौरव क्यों रखते हैं? अंग्रेजी इनके बाप लगते हैं क्या? माने जिन लोगों के साथ हमारा कोई रिलेशन नहीं है उनकी भाषा हम पढ़ा रहे? अरे पढ़ाओ आप, मैं तो कहता हूँ और विदेशी भाषा, मैं तो अंग्रेजी के साथ जो है स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच, मेड इन चाइनीज, मैं तो वो और भी भाषा ही सिखा रहा हूँ। लेकिन सबसे पहला गौरव संस्कृत भाषा को, अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी को, अपनी भारतीय भाषाओं को, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया, बांग्ला, मराठी, सभी भाषाओं को, गुजराती, मैं तो करीब 7-8 भाषाएं खुद बोलता हूँ। तो सब भारतीय भाषाओं के गौरव के साथ राष्ट्रभाषा को गौरव मिलना चाहिए। यह एक तरह की उसी राजनीति है और देश और देश के संविधान में हमारी अनास्था को प्रकट करता है, ये ठीक नहीं है। और श्री राम की आस्था के साथ राम मंदिर का गौरव भी जुड़े। राम हम सबके पूर्वज हैं, मजहब से पहले थे राम। जब दुनिया में मजहब शब्द नहीं था, 1400 साल पहले इस्लाम नहीं था, 2000 साल पहले ईसाइयत नहीं थी, और भी बाकी जितने भी मजहब के नाम पर जो शब्द प्रयोग होते हैं उनसे परे हैं राम, और वो हम सबके पूर्वज हैं। कोई उनको आराध्य माने, कोई अपना उनको पूर्वज माने, कोई उनको अवतारी पुरुष माने, लेकिन वो हैं हमारे, और अपने पूर्वजों को गौरव देना ये किसी भी राष्ट्र के गौरव की। क्योंकि 5 साल निकल गए पहली सरकार की, दूसरी बार फिर मैंडेट मिला है, और बड़ा मैंडेट मिला है उससे ज़्यादा। मुझे लगता है इस बार राम मंदिर भी बनेगा, काशी विश्वनाथ का भी उद्धार होगा, और मथुरा में भी भगवान कृष्ण अभी भी जो है वो एक तरह से, पिछले साल कहा था दो ही तरीके हैं, या तो लोग अपने हाथों से बना दें या फिर सरकार अध्यादेश ले आए। अब तो उसकी ज़रूरत नहीं अध्यादेश की, अब तो कानून में जिस तरीके से अभी अदालत में जैसे उन्होंने कहा मध्यस्थता एक साथ मिलकर हो जाए। ये जो मध्यस्थता वाला क्रम चल रहा है इसमें मुझे सफलता का कम अंदेशा है। अब सरकार और देश के सर्वोच्च न्यायालय ने यदि ज़्यादा देरी की तो मुझे लगता है लोग अपने आप ही बनाना शुरू कर देंगे। नहीं होना चाहिए देरी, और सरकार देरी नहीं करेगी, मुझे विश्वास है। और इतना ही नहीं, धारा 370, एक देश एक कानून, एक देश एक चुनाव, उसके ऊपर काम हो रहा है, होना ही चाहिए। फिर 35 से क्या है ये? तो पर आपको लग रहा है गृह मंत्री बन के अब अमित शाह इन पर एक्ट करेंगे? लोगों को बड़ी उम्मीद है, अद्भुत सामर्थ्य है प्रशासन का, साहस है उनमें। देखो यदि सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बना दिया गया होता, महात्मा गांधी जी थोड़ी सी हिम्मत दिखाते, क्योंकि उस समय जवाहरलाल नेहरू सर्वोच्च नेता नहीं थे, सर्वमान्य नेता नहीं थे, पटेल सर्वमान्य नेता थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सर्वमान्य नेता थे। उस समय देश का विभाजन नहीं होता, चाइना से बड़ी ताकत हिंदुस्तान होता, और फिर जिस तरह से लड़ाइयों में हमारी ऊर्जा खराब हो रही है वो नहीं होती। तो आप अमित शाह में सरदार पटेल ही हमें अमित शाह में देखता हूँ, अच्छा भी देखते हैं। 565 रियासतों को एक कर सकते हैं, तो एक देश एक कानून, एक देश एक चुनाव, और एक देश श्रेष्ठ देश, ये मोदी जी के साथ अब अमित जी मिल गए तो अब ये जोड़ी जोरदार होगी। और देश में जो लोगों को असंभव लगता था, चाहे वो 3 तलाक का मामला है, मुझे लगता है इसमें आगे चल के गो हत्या वाला मामला का भी सोल्यूशन हो जाएगा, जो अवैध तरीके से देश में नागरिक घुसते और अपने देश की एकता अखंडता संप्रदाय को खतरे में डालते हैं, करीब 3 करोड़ से ज़्यादा लोग अवैध नागरिक घुसे हुए हैं, एक आदमी भी अवैध घुस जाए, इलीगल जो है देश के अंदर एक्टिविटी करने लगे, तो क्या बुरा हाल हो सकता है देश का? तो बहुत सारे जो राष्ट्रीय प्रश्न हैं उनका समाधान है अमित जी और मोदी जी जैसे योग, बहुत से प्रश्नों का समाधान है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।